हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज मैं यहां पर एक खास वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो पबजी मोबाइल की जो स्ट्रीम है वो मोबाइल से कैसे कर सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्चा किए हुए, जीरो रुपीज, सिर्फ आपको मोबाइल के ही एप्लीकेशन से। पूरा बताऊंगा तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है भाई, पूरा वीडियो एंड तक देखना और जो भी बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप करना है। और इसमें आपका जो इन गेम साउंड है, जो गेम साउंड है, जो प्लेयर की वॉइस है वो सारी आएगी और मैं उसका प्रूफ भी दिखा दूंगा, जो मैंने लाइव कर रखे उसका भी आप प्रूफ देख सकते हो। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका भाई बैठा है कहीं पे भी, कुछ भी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर देते स्टार्ट। तो गाइस जो आपको पबजी मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए सॉफ्टवेयर है वो मैं सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। वो तीन सॉफ्टवेयर है, स्ट्रीम लैब्स, ड्यू रिकॉर्डर और प्रिज्म लाइव, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। और ये सारे ही तीनों जो एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कि है अपना स्ट्रीम लैब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको स्ट्रीम लैब्स ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जिससे लाइव करना है जैसा ऑप्शन आ जाता है, ट्विच, यूट्यूब और जो भी है। तो अगर आप एक यूट्यूब से कर रहे तो आप यूट्यूब से यहाँ पर साइन कर लो, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल लो। फिर आपको ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल लेना है। फिर आप जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको स्क्रीन पे सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट दबा लेना है। फिर आपको जो भी इसमें से बॉक्सेस चीज से डोनेशन, गोल है वगैरह वगैरह आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस देनी होगी, जैसे कि इनेबल माइक है, रिकॉर्ड ऑडियो है, ऐसे सब परमिशन आपको सब पे अलाउ कर देना ताकि इसमें आपका जो वॉइस है सब रिकॉर्ड हो। फिर यहाँ पे आपसे ये स्टार्ट नाउ पूछेगा तो आपको स्टार्ट नाउ नहीं दबाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर लेनी है स्ट्रीम लैब्स में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। सबसे पहले आपको जो है ना अपने लेफ्ट साइड जो थ्री बटन होते हैं वहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे चले आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ गए तो मैं कुछ यहाँ पे सेटिंग्स बता देता हूँ। उस सेटिंग्स में आपको वही सेटिंग्स रखनी है वरना आपका जो है वो नहीं आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑडियो सोर्स होता है जिसमें तुम्हारा इन गेम साउंड होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो कैम कॉर्डर है वही सबसे बेस्ट है, तो आपको उस पर रखना है। जो ईयरफोन है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा क्या साउंड क्वालिटी में ऐसा थोड़ा ऐसा करें, मतलब पीछे बैकग्राउंड में हल्का हल्का आता है, मैंने स्ट्रीम में भी देखा है। तो आप कैम कॉर्डर पर रख सकते हो, मतलब बिना ईयरफोन फ़ोन सिर्फ चालू करके, या फिर आप जो है डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हो, उस पर आप सिर्फ ईयरफोन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो ना तो आप उस पर हेडफोन लगा लो, और जो आपकी वाईफाई की जितनी अच्छी स्पीड आपका फ़ोन सपोर्ट है उस हिसाब से आउटपुट रेजोल्यूशन रख लो। मान लो अगर आपकी वाईफाई का MB 10 Mbps है, 20 Mbps, तो 720 से नीचे रखो या 720 रख लो और 30 फ्रेम रेट रख लो। ये सब करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर, और आप यहाँ पर जैसे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करोगे सिंपली आपकी जो स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो जाएगी और यूट्यूब पे शो होने लगेगी। और इसमें आपका इन गेम साउंड, गेम साउंड सब आएगा गाइस, कोई यहाँ पर दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। अगर फिर भी कोई भी अगर डाउट आता है स्ट्रीम लैब्स में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो गाइस जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है ड्यू रिकॉर्डर। सबसे बेस्ट ऐप है जो लाइव के लिए वो है ड्यू रिकॉर्डर, मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से लाइव कर रहा हूँ। ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपको चले जाना है, ड्यू रिकॉर्डर इंस्टॉल करना, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पर आपको एक ये जो ड्यू रिकॉर्डर का सिंबल दिख रहा है ना राइट में, इस पर आपको क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पर सिंपली लाइव का ऑप्शन दिखता है, लाइव पर जिसे क्लिक करोगे आपके सामने YouTube आ जाएगा। YouTube पे आने का था, यहाँ पे आपको मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसा कि देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक लाइव करी थी, PUBG मोबाइल बैन जो होने वाली थी उसके ऊपर लाइव करी थी। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आने का आपकी वाईफाई के जैसा मैंने बोला था उस हिसाब से यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन है वो क्लिक कर लेना है। फिर अगर आपको वॉइस, अगर आपको रोबोट ओबोट की वॉइस चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अपना जो आवाज़ है वही रखे। और जो यहाँ पे से आप अपना जो क्या बोलते हैं लाइव स्ट्रीम का थंबनेल हो यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे लाइव का भी रख सकते हो, और जो स्ट्रीम पॉज करोगे ना तो दोनों रख सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर जो राइट साइड टूल्स है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डोनेशन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप डोनेशन इन्फॉर्मेशन में जाके अपना जो पेपाल का जो ऐप है, पेपाल में जो आपकी ईमेल आईडी हो यहाँ पर लिंक कर सकते हो। फिर आप उससे डोनेशन ले सकते हो, और आपको जो भी जो डोनेशन करेगा वो यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो होगा। और फिर सब गोल अमाउंट भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको जितने सब्सक्राइबर्स चाहिए वो यहाँ पर लिख लो, मैंने 25 लिख लिए। फिर आपको
यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसको अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में चाहे वहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सब गोल रख दिया, यहाँ पर अलर्ट बॉक्स रख दिया। सो इसी तरीके से सिंपली कर सकते हो और इसी तरीके से ये पूरा हो जाए। और इसमें ऑडियो का कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ एक आपका जो ईयरफोन है जो गेम के लिए यूज़ करते हो वही लगाना है। वाईफाई पर कनेक्ट करो और सीधा स्टार्ट दबा दो और आपका जो स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ऐप की ओर, जिस ऐप का नाम है प्रिज्म लाइव। सो गाइस, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन उसका नाम है प्रिज्म लाइव। तो सबसे पहले आपको प्रिज्म लाइव डाउनलोड कर लेना है, वो आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका डिवाइस थोड़ा सपोर्टिव है 6GB रैम वाला तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा गेम लैग होता है। फिर आपको कर लेना है प्रिज्म लाइव में साइन इन। करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर जैसे राइट में अपने अकाउंट पर देख लेना कि आपका अकाउंट कौन सा है, यहाँ पर मतलब जो गेमिंग वाला अकाउंट है उसी से लॉग इन है ना। फिर वो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं डैम गेमिंग दिखा रहा हूँ। फिर आप राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन कास्ट, जिससे आपकी जो बैकग्राउंड में गेम चलेंगे वो रिकॉर्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के दौरान होता है। तो आपको यहाँ पर लाइव पे आ जाना है। लाइव पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ से अपनी मर्जी से टाइटल दे दो, जैसे मैंने लिखा पबजी वाला रैंक पुश। फिर अपनी मर्जी से यहाँ पर रेजोल्यूशन सेट कर लो, अगर आपका डिवाइस अच्छा है मतलब रियलमी XT है कुछ भी है तो वहाँ पर 720 रख सकते हो। वाईफाई की स्पीड भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, अगर आपका 20 Mbps है तो रख सकते हो, अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप वो भी रख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर करने के बाद राइट चले जाना, फिर आपको सिंपली स्क्रीन कास्ट पर क्लिक कर लेना और जो आपका लाइव है वो स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ गाइस, याद रखना कि जो मोबाइल है ना वो आपको पोर्ट्रेट मतलब जो लैंडस्केप मोड है ना उसमें रखना, नहीं तो आपकी जो स्क्रीन है ना वो यूट्यूब पर छोटी दिखाई देगी। फिर आके आप मुझे बोलेगा भाई स्क्रीन मतलब जो स्ट्रीम है वो छोटी दिखाई देती है। और गाइस, जो मैंने ये वाली बात बोली ना कि लैंडस्केप कर लेना वो लागू होती है उसमें भी, जो मैंने आपको पहले बताया ना स्ट्रीम लैब, उसमें भी ये करना, ड्यू रिकॉर्डर में चल जाता है वो अपने आप हो जाता है। तो इसी तरीके से आप ये तीनों ऐप यूज़ करके जो लाइव कर सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्चा किए। और इन तीनों एप्लीकेशंस में अवेलेबल है इन गेम साउंड प्लस गेम साउंड पहले, और प्लस आपके जो फ्रेंड्स के साउंड है वो भी आएंगे। आपको सिंपली आपका ईयरफोन यूज़ करना है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूँ जो मैंने अभी लाइव करे थे ये एप्लीकेशंस की मदद से, आपको यहाँ पर आपके सामने ही दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो मैंने अभी थोड़ा पहले ही आपके सामने लाइव किए थे ना सारे पबजी वाले रैंक पुश ये सब, यहाँ पर आप देख सकते हो इस व्यूज़ भी आ गए थे। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव सोचा करके दिखा दो ताकि फिर आप बोलो ना कि भाई फेक वीडियो। यहाँ पर देख सकते हो कुछ कुछ तो प्रोसेसिंग में भी हो रहा है। तो इसी तरीके से आप भी लाइव कर सकते हो। और मैं आपको यूट्यूब पर दिखा देता हूँ मेरा प्रूफ जो मैंने इसी एप्लीकेशंस की मदद से किया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इन गेम साउंड भी मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर जाना है और मेरा चैनल सर्च कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ आपको वीडियोज़ पर बैक जाकर सिर्फ चैनल पर आना है। और अगर यार चैनल पर नहीं होता सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो यार, कोई पैसे नहीं लगते इसके लिए। फिर आपको चले जाना है मेरे वीडियोस में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर आप जैसे यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारी लाइव स्ट्रीमें कर रखी है, जो टूर्नामेंट्स मैंने होस्ट किया था उसमें आप कोई भी स्ट्रीम ऑन कर लो या फिर कोई भी मेरा गेम प्ले ऑन कर लो, उसमें आपको मेरी इन गेम साउंड फ्रेंड साउंड जो जिस लोगों से मैं बात करता हूँ सारी साउंड आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसके लिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ ताकि कल को आप ये ना कहो कि यार वीडियो फेक है, इसलिए तब जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो गाइस, आप लोग भी इसी तरीके से पबजी मोबाइल की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कर सकते हैं विदाउट मतलब एक भी रुपए खर्चा किए बगैर आप कर सकते हैं, 0 rupees का खर्चा है। और इन एप्लीकेशंस में आपको इन गेम साउंड भी मिल जाता है, जिसमें लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साउंड आएगा, गेम साउंड आएगा, आपकी वॉइस आएगी, आपके फ्रेंड्स की वॉइस आएगी, जो भी आप बातचीत करोगे सब वॉइस उनकी उन तक पहुँचेगी। तो इसमें ना आपका जो ऑक्स केबल का खर्चा हुआ, ना साउंड कार्ड, ना ग्राफिक्स कार्ड, ना ये ना एल्गाडो, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ 0 rupees में। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पूरा। अगर फिर भी कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो होप करता हूँ गाइस आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी होगी, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।